हेलो फ्रेंड, वेलकम माय अनदर ब्लॉग। और कैसे हैं फ्रेंड आप सब? आई होप अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। और यहाँ पर देखिए, मैंने इस वीडियो को जहाँ पर छोड़ा था पहले वाले वीडियो से, उसी जगह से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से सिर्फ चलते चलते धीरे धीरे बुद्धा पैलेस के पास तक पहुँच रहा है। तो आप लोग बने रहिएगा फ्रेंड वीडियो में और पूरा वीडियो देखिएगा तो पता चलेगा मैं कहाँ कहाँ ले गई हूँ आपको और क्या क्या आगे हुआ है, सब पता चलेगा। और जो भी नए फ्रेंड आते हैं तो सब लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, हम लोग बोट पर से उतर रहे हैं, बोट पहुँच गई है बुद्धा पैलेस के पास। और बस हम लोग बस इसी तरह से लाइन से सभी उतर रहे हैं और बुद्धा पैलेस पर पहुँच गए। और बुद्धा पैलेस पर हम 5 बजे के लगभग पहुँचे थे, लमसम उतना ठीक से ध्यान नहीं है। और यहाँ पर देखिए, बुद्धा पैलेस से आपको पूरा सागर दिखलाते हैं। और ये है बुद्धा पैलेस का फ्रंट भाग। और बुद्धा पैलेस के आगे में बहुत एरिया है और चारों किनारे से आपको फूल पत्ती लगे हुए गार्डन टाइप्स बने हुए हैं। और आगे में आपको झरना मिलेंगे, ये वाले झरना बड़े वाले हैं, इस पर अभी सभी बैठे हुए हैं। और ये चबूतरा बने हुए हैं, ये पैलेस के ऊपर चबूतरा, तब उसके ऊपर बुद्धा जी हैं विराजमान। और चबूतरे के बीच में जहाँ पर बिठाया गया है, वहाँ पर बहुत सारे कलाकृतियाँ नक्काशी की हुई हैं पुराने पुराने, उसमें बुद्धा जी का भी तस्वीर बना हुआ है। और देखिए, चारों तरफ से आपको मैं बुद्धा जी का दिखा रही हूँ घुमा घुमा के। यहाँ पर अशोक चक्र वगैरह भी और बहुत सारे कलाकृति बने हुए हैं, एक से अच्छे लग रहे थे देखने में। और यहाँ पर देखिए, साइड से पूरे अच्छी तरह से हर प्रकार के फूल वगैरह लगे हुए हैं। और ये बहुत एरिया में है, ऐसे देखने से लगता है कि बहुत कम एरिया में। और बहुत यहाँ पर देखिए, आगे में आ करके तो यहाँ पर एक बड़ा झरना बना है और दोनों साइड से छोटे छोटे झरने बने हैं जो रात के टाइम में चलाए जाते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में। और यहाँ से आप देखिए सागर। और बस फ्रेंड, इसके यहाँ पर इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है जो कब बना और किस सन में बना। और यहाँ से उस महल को देखिए तो कितना खूबसूरत लग रहा है, दूर से एकदम लग रहा है संगमरमर का बना हुआ महल है। यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ से दूर दूर देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है, यहाँ से जाने का इच्छा ही नहीं हो रहा है। और सागर के कारण यहाँ पर मौसम भी ठंड ठंड सी लग रही है। यहाँ पर सभी आगे में बैठे हुए हैं और ये समुद्र के बीच में बने हुए हैं और ये एक टापू पर बने हुए हैं। ऐसे देखने पर लग रहा होगा कि हम पृथ्वी पर ही हैं, बट ये ज़मीन से 15 फीट ऊँचाई पर बने हुए हैं। सागर के बीच में बने हुए इसी स्थान को लुम्बिनी पार्क कहते हैं। और इसी जगह पर गौतम बुद्ध की दुनिया की सबसे ऊंची अखंड मूर्ति स्थापित है। ये प्रतिमा सफ़ेद ग्रेनाइट से बना हुआ है और इसकी खर्चा $3 मिलियन था। और प्रतिमा 58 फीट की थी और इसका वजन 350 टन था, जिससे यह बुद्ध की दुनिया की सबसे ऊंची खंड मूर्ति बन गई। और देखिए फ्रेंड, जैसे से शाम हो रहे हैं वैसे से झील की सुंदरता और बुद्ध की प्रतिमा की भी सुंदरता बढ़ती जा रही है। और शाम के टाइम में इस महल की भी देखिए सुंदरता कितनी बढ़ गई है। इस प्रतिमा का निर्माण 1983 और 1989 के बीच श्री स्वर्गीय एनटी रामाराव द्वारा किया गया था, जो उस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे। इस प्रतिमा का विचार उन्हें अपने न्यूयॉर्क यात्रा से आया था। वे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की सुंदरता देखकर चकित थे और उसने हुसैन सागर में ये बनाने का प्रेरणा मिला था। और हुसैन सागर के बारे में मैंने तो पिछले वीडियो में बताया था, फिर भी आपको बता दें, क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। हुसैन सागर झील की खुदाई 1562 में इब्राहिम कुली कुतुब शाह के शासन काल के दौरान की गई थी। मूसी नदी के सहायक से बनी हुई यह झील का नाम हुसैन शाह बली के नाम पर रखा गया था, हुसैन सागर।
यह सागर दिल के आकार का बना हुआ है। ये 5.7 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मुसी नदी द्वारा इसमें पानी प्रवाहित की जाती है। और अब फ्रेंड हम लोग आ गए हैं फिर से ये पार्क में, और यहाँ पर देखिए यहाँ चित्र बना रहे थे चित्रकार लड़के का, और ये देखिए रात में ये कितने अच्छे लग रहे हैं, ये झरना कितने खूबसूरत। मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि मैं रात में दिखलाऊंगी झरना, तो ये झरना देखिए रात में इस तरह से दिखते हैं। और पार्क का रौनक किस तरह, इतने रात में भी पार्कों में भीड़ है, और मैं बाहर आ गई हूँ हम लोग पूरे और अब हम लोग जाएंगे। तो ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, ये अम्बेडकर भवन है। रोशनी के बाद देखिए कितना जगमगा गजब टाइप का लग रहा है, कि शीश महल की तरह लग रहा है ना रोशनी होने के बाद में। और अब हम लोग यहाँ से निकल पड़े, और निकलने के बाद हम लोग यहाँ आ गए हैं। ये मंडी हाउस है, यहाँ मंडी मिलते हैं। तो हम लोगों ने विचार किया कि चलो इधर से होते हुए मंडी खाते हुए जाते हैं, घर पर खाना बनाना ना पड़ेगा। तो बस हम लोग यहाँ आ गए हैं होटल में, ये होटल है मंडी, इसका नाम है मंडी होटल। तो यहाँ सब प्रकार से बैठने का व्यवस्था है, यहाँ पर इस तरह से सिटिंग का भी व्यवस्था, आपको जैसे इच्छा वैसे बैठें। और कुर्सी टेबल पर भी बैठने का इच्छा, तो हम लोगों ने कहा कुर्सी टेबल पर तो बहुत बार बैठ के खाए हैं, यहाँ पर ऐसे बैठ के खाने का मज़ा लेते हैं। तो हम लोगों ने थाली मंगवाया, यहाँ पर हम लोग ने मंडी थाली मंगवाया। हाफ वाला थाली भी आपको इतने बड़े थे कि तीन आदमी भी ज़बरदस्ती खाए थे हम लोगों ने पूरे। जब इन्होंने बोला कि 500 का हाफ प्लेट है, तो मैंने घबरा गया, हाफ प्लेट कितना सा होगा 500 का। पर जब इन्होंने हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया कि हाफ प्लेट ला दें, तो इन्होंने लाया, तो उन्होंने वाह वाह इतनी बड़ी थाली। और इस थाली में यहाँ पर बिरयानी रखे हुए थे, मतलब चावल थे बहुत अच्छा, उसमें बहुत सारे काजू बादाम, और बीच में आपको पूरे चिकन इस तरह से फ्राई किए हुए चिकन, हम लोगों ने ऑर्डर ही किया था फ्राई चिकन थाली, तो इन लोगों ने इस तरह से थाली बना के दिया। और जब ये पानी आया ना हाथ धोने के लिए, तो मुझे इसे देख करके हंसी आ गई, याद आ गई एक फिल्म की, जिसमें कि ये पानी दिया था तो उसने पी लिया था, तो ये देखकर मुझे बहुत हंसी आई थी। और यहाँ पर देखिए अभी और लोग सब आ रहे हैं खाने के लिए, और हम लोग के पूरे हो गए, तो हम लोगों ने निकल लिए जाने के लिए। और अब बस यहाँ पर से हम लोग निकल गए, तो यहाँ पीछे में गाड़ी खड़ी होनी होती है, और पीछे ही लिफ्ट है, लिफ्ट से ऊपर जाना होता है, और आगे से हम लोग निकल गए हैं। तो चलिए अब रास्ते का व्यू देखिए आप, बस अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जो भी नए फ्रेंड गलती से आ गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट किया करें, आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग।